प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर प्रदेश के डॉक्टर्स को नई सौगात दी है, जहां सीएम हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम व स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने नवनियुक्त 200 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिए। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। सीएम हाउस में आयोजित हुआ कार्यक्रम, प्रदेश के डॉक्टरों को सीएम ने दी सौगात, 200 डॉक्टरों को दिए नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी रहे मौजूद। प्रदेश में एमपीपीएससी से चयनित हुए 200 डॉक्टर्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट को प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह नियुक्ति पत्र दिए हैं, जहां सीएम ने इस दौरान सभी डॉक्टर्स को अस्पताल की आत्मा बताया और इन सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। दरअसल सीएम हाउस में सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम में 200 डॉक्टर्स इकट्ठे हुए। चयनित डॉक्टरों में चिकित्सा अधिकारी, दंत चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ आदि शामिल हैं। किसी से अगर कोई बात पूछो, मैं बच्चों से पूछता हूँ क्या बताऊं, सबसे ज्यादा हाथ उठाते डॉक्टर। तो सच बताऊं, मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ। मेरे 10th तक थी, 11th तक पढ़ाई होती थी और उसके बाद फिर सीएम की तरह पढ़ता था। तो मेरा जो सब्जेक्ट थे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी। मैं इमरजेंसी में टेस्ट कराया, 11th में पढ़ता था, मेरी उम्र थी जब 17 साल। तो उस समय हमको जेल जाना पड़ा, आपातकाल के खिलाफ उस उम्र में आंदोलन किया था। और जेल से निकल के जब मैं आया, तब तक विचार बहुत बदल चुके थे और ये लगा कि नहीं अब और कुछ भी करना चाहिए। तो बाद में फिर मैंने टीएफटी की परीक्षा नहीं दी, लेकिन अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आता तो निश्चित रूप से मैं डॉक्टर ही होता। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।